गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। और आज से मैं शुरू कर रही हूँ अपनी डेली व्लॉगिंग। और अभी मैंने बच्चों को मैगी बना के दे दी है। और ये देखिए बच्चे आरू का मैगी खाने का स्टाइल। खाओ खाओ खाओ, ये फिनिश। बच्चों का नाश्ता हो चुका था, मैंने भी नाश्ता कर लिया था, मम्मी ने भी कर लिया था। उसके बाद मैं फिर मैं लग गई अपने डेली की जो काम होते हैं उसमें, जैसे कि खाना पीने की तैयारी वगैरह जो भी कुछ है। तो मैंने आज कढ़ी बनाई है और ये मैं खाने पीने की तैयारी सारी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने फिर क्लीनिंग के लिए सोचा मैंने कि चलो फिर मैं ना अपनी किचन को पूरा साफ़ कर देती हूँ, नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं अपना जो भी झाड़ू है पोछा है बाकी सारे काम है उसमें लग जाना है। झाड़ू पोछा बाकी खाना पीना पूरा हो गया है, रोटियां रह गई हैं वो तब बनेंगी जब सब लोग खाएंगे, क्योंकि ठंडी रोटी ना ही मुझे अच्छी लगती ना ही और किसी को अच्छी लगती है। तो रोटियां हम जब भी बनाते हैं जब सब लोग खाते हैं। अभी मम्मी पापा जी नहा के फ्री हो जाएंगे पूजा वूजा करके, उसके बाद में मैं रोटियाँ बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। बच्चे नहा के हो गए हैं फ्री एकदम तैयार। आरू देखो इधर, मैं नहा के हो गई हूँ फ्री, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, बस खाना रह गया है क्योंकि अभी मम्मी पापा जी नहाए नहीं हैं। वो लोग जैसे ही नहा के आ जाएंगे उसके बाद में हम खाना बनाएंगे, तब फिर देखते हैं क्या करना है। जैसे ही पापा जी नहा लिए तो उसके बाद में मैंने खाना बनाना शुरू किया। और यहाँ आरू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, कभी कुछ बोल रहा था कभी कुछ बोल रहा था, ऐसे ही बच्चों का तो चलता ही रहता है। फिर मैंने खाना बनाया, फिर पापा जी के लिए खाना लगाया,
उसके बाद आरू को भी भेजा कि जा तू वहीं बैठ के खा ले वरना वो बहुत ज़्यादा। मैंने मीशो से कुछ मंगाया था और आज वो भी आ गया है, देखते हैं। चलो आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगाया। मीशो से ये कुर्ती जो कि चार है, एक ये है एक ये है। तो अब बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैंने चाय बनाने के लिए दूध गर्म करने रख दिया है। अब हम क्या मैं रात का खाना बना रही हूँ, उसमें क्या है कि रात को है ना सिर्फ मैं और मम्मी ही रह जाते हैं घर पर, तो इसीलिए हम लोग फटाफट से अपना कर लेते हैं, जब खाना होता तभी बना लेते हैं फटाफट से करके, काम वाम ख़त्म करके फिर आराम से टीवी देखते हैं। और फिर मम्मी भी साथ नहीं सोती हैं तो उसमें क्या है बच्चे भी बड़ा खुश रहते हैं, इतनी शैतानी करते हैं, देखना अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कितना ऊधम करते हैं। और फिर उसके बाद में काम ख़त्म होने के बाद मैं अपना खाना लेके अपने रूम में गई, फिर वहाँ खाया पिया। उसके बाद में मैंने किचन के जितने भी सारे बर्तन वगैरह जो भी थे सारे साफ़ किए, किचन को एकदम नीट एंड क्लीन किया। और फिर उसके बाद में फिर मैं हो गई एकदम फ्री, फिर मुझे कोई काम नहीं, सिर्फ सोना है, टीवी देखना है, जो भी करना है कर सकते हो। पर बच्चों के डांस के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगी और कल मिलेंगे हम दोबारा से। प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय, गुड नाइट।